नमस्कार दोस्तों, कल रात को 11 बजे मैंने आपको ये रिपोर्ट करा था कि भूरा भूरे आईपीएल से बाहर हो चुके हैं और डब्ल्यूटीसी फाइनल भी वो मिस करेंगे, क्रिक बस की रिपोर्ट थी। तो आइए अब जानते हैं कि यार मुंबई के अंदर कौन बुमराह को रिप्लेस कर सकता है, बुमराह का रिप्लेसमेंट कौन होगा। तो एमआई फैन सब निराश ना हो यार, होता रहता है यार, हमारे साथ भी हुआ था पिछले सीजन, दीपक चहर नहीं खेले थे, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। तो बुमराह के यार रिप्लेसमेंट जानते, उससे पहले आपको बता दूं कि यार बार बार एक ही लाइन में नहीं बोलूँगा, आप समझ जाओ यार, हमारी मर्चेंडाइज आ गई है, अगर आपको अच्छी लगी तो उसको खरीद लेना। कम्युनिटी टैब्स के अंदर आप सारे डिज़ाइन देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है, बिल्कुल अच्छे से सजा के डाल रखा है। देखो एमएसडी की मर्चेंडाइज, विराट कोहली की लिंक दे रखा है मैं, विराट कोहली की दो मर्चेंडाइज है, यूजी भाई की स्वैगी मर्चेंडाइज जो मैंने डाल रखी, सबका मैंने लिंक दे रखा है, उसको जाके देखो और अच्छी लगी तो बाय बाय करो, आराम से पहन पहन के फोटो वोटो खींच के मैं टैग करूँ, हम वापस उसको पोस्ट करेंगे, वैसे भी हम करते रहेंगे, उसको भी ज़रूर से विजिट करना। आप बाकी मुद्दे पे आते, देखो मुंबई कौन से प्लेयर्स को ले सकता है बुमराह की जगह, बुमराह की रिप्लेसमेंट के लिए सबसे पहला ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन है संदीप शर्मा। संदीप शर्मा आप मान के चलो कि पावर प्ले की बढ़िया बॉलर है, पंजाब के अंदर अभी पिछले सीजन खेले थे और उससे पहले भी हैदराबाद के अंदर खेल चुके हैं, ये ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी आ चुके संदीप शर्मा। अगर प्रसिद्ध कृष्णा का रिप्लेसमेंट संदीप शर्मा नहीं होते राजस्थान रॉयल्स के अंदर, तो डेफिनेटली मुंबई इंडियंस प्रेफर करेगी कि संदीप शर्मा आ जाए एमआई के कैंप के अंदर, और बहुत ही बढ़िया बॉलर है वो भी, क्योंकि इस सीज़न उनको किसी भी टीम ने नहीं दिया। तो संदीप शर्मा एक तो पहली प्रेफरेंस होगी, दूसरा अगर अपन देखें तो धवल कुलकर्णी मुंबई के अंदर खेल चुके हैं और मुंबई के अंदर एक्सपीरियंस भी है कि कैसे पेजेस होती है मुंबई की, तो धवल कुलकर्णी आ सकते हैं। बाकी आप तीसरे प्लेयर अगर देखें तो ये भी हो सकता है कि वरुण एरन की तरफ चल जाए, पर वरुण एरन थोड़ा सा बहुत ही अलग वे चल जाएगा, ये दो प्लेयर में से कोई एक आ सकता है। बाकी एक बहुत अच्छा इनके पास चांस है कि भैया किसी ओवरसीज अगर इनके पास स्लॉट अवेलेबल है तो फिर गेराल्ड कोइट से एडम मिलने जैसे प्लेयर्स को ले लेंगे, गेराल्ड कोइट से भी जो वक्त सुपर किंग के अंदर अच्छा सा खेल गया है साउथ अफ्रीका 20 लीग के अंदर, और एडम मिलने खेल चुके हैं मुंबई के अंदर। और ये एक और मैं इनको एक सजेशन देना चाहूँगा कि देखो अगर ये रिप्लेसमेंट भी नहीं ढूंढते ना तो इनको कोई टेंशन वाली बात है नहीं, आप अर्जुन तेंदुलकर को लेके आ जाओ। देखो आप किसी को नाम से जज नहीं कर सकते, वो प्लेयर भी अच्छा, अगर आप उसको गेम दोगे तो आप उसको गेम पता चलेगा, आप अर्जुन तेंदुलकर को गेम टाइम दो। दूसरा अर्शद खान भाई इनके कैंप के अंदर बहुत ही बढ़िया बॉलर है, लेफ्ट आर्म पेसर है, बढ़िया बॉलिंग डालते हैं, एक बार आप इनको चांस दोगे ना, डोमेस्टिक का रिकॉर्ड अच्छा है, तो एक बार आप इनको आईपीएल के अंदर देखो, ये वही काम करेंगे जो मुकेश चौधरी ने पिछले सीजन चेन्नई के लिए करा था, जो काम वैभव अरोरा ने कोलकाता के लिए करा था, सॉरी पंजाब के लिए करा था, तो यही काम आपके ये कर सकते हैं अर्शद खान अगर इनको चांस मिलता। तो बाकी मैंने आपको दो तीन नाम बताया, इनमें से कोई रिप्लेसमेंट हो जाएगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो में सत्या को, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, और आपको क्या लग रहा है कि कौन हो सकता है बुमराह का रिप्लेसमेंट कमेंट करके ज़रूर से बताना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।